दुर्ग नगर पालिका निगम में शुक्रवार को 300 सूत्रों को लेकर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा एवं अन्य भाजपा पार्षदों द्वारा दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 3 सूत्री मांगों में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन योजना और डॉक के बधियाकरण को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर इन मामलों में त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो भाजपा पार्षद दल द्वारा निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन आगामी दिनों में किया जाएगा। पार्षद दल ने 3 सूत्री मांगों पर ज्ञापन दिया है। सबसे पहले मांग है कि प्रधानमंत्री आवास में साल भर से जिन्होंने अपना घर तोड़ा है, लोगों के घर में किराए में रह रहे हैं, ऐसे कम से कम 700 से हजार है और वो गरीब आदमी दूसरे के घर में रहने के लिए बाध्य है। न वो अपना घर बना पा रहा है, न दूसरे के घर में रह पा रहा है और इस मानवीय प्रताड़ना के लिए नगर निगम दुर्ग जिम्मेदार है। आयुक्त महोदय ने यह कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर यह राशि ला करके वह उन परिवारों तक पहुंचाएंगे और 1 हफ्ते तक यदि वो नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आगामी निर्णय लेगी और आंदोलन करेगी। दूसरा विषय था अमृत मिशन में 152 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी के देने के बावजूद दुर्ग शहर भर में पानी बह रहा है और कई स्वीकृत ड्राइंग डिजाइनों पर काम नहीं हुआ है। 25,000 घर ऐसे चिन्हित किए गए हैं दुर्ग शहर में जिनके यहाँ पानी नल कनेक्शन नहीं लगा है, तो उसके लिए आयुक्त महोदय ने कहा है हमने 2nd DPR भेजा है। तीसरा मामला है कि अगर कोई गाय है, आवारा पशु है और कुत्ता बधियाकरण के मामले पे निविदा बुला ली गई, नए नए निगमों ने काम चालू कर लिया पर दुर्ग निगम अभी तक सोता रहा, तो हमने उस पर कार्रवाई की मांग की है कि अभी तक कार्रवाई नहीं है। आयुक्त महोदय ने कहा है कि हम बहुत जल्द ही बात करके इसका समाधान करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर वो कर देंगे। कुत्ता बधियाकरण का आज उन्होंने कार्यदेश जारी करने का हमको आश्वासन दिया है, अगर ये नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी और लोगों के बीच जाकर के इन विषयों को रखेगी।